यार उसके भी पैसे देने थे यार, शिट अब क्या करूं। ओए वीडियो स्टार्ट हो गई। तो भाई वी आर बैक अगेन विद द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ GTA 5। तो क्या हाल चाल है आप सब लोगों का भाई? तो भाई उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे यार। तो यार आज यार मेरे दोस्त थे, यहाँ पे रहते हैं सामने वाले घर में, तो उनके बेटे ने उनकी गाड़ी का एक्सटेंड कर दिया। तो भाई उन्होंने बुलाया था यार, देख लो गाड़ी आके देख लो यार, उसको रिपेयरिंग करवा दो। तो भाई वो देखने जा रहे थे यार। और सुनाओ भाई? यार ये इलाका काफ़ी अच्छा है यार, ये वाला एरिया ना देखो, हर तरफ घास घास लगा हुआ है, कोई शोर वगैरह नहीं है, साफ रोड है। मैंने यार इनको कहा था यार मुझे भी यहाँ पे घर ले दो, बस पता नहीं क्या किया इन्होंने। अबे भाई साहब, अबे गाड़ी तो फुल तबाह हुई हुई है यार, इसका बेटा पत्नी बचा या नहीं बचा। ओ अस्सलाम वालेकुम सुहेल। वालेकुम अस्सलाम माइकल। माइकल देख यार गाड़ी को क्या हो गया। माइकल ये देख यार गाड़ी को क्या हो गया यार, मेरे बेटे ने ठोक दी सारी गाड़ी यार, मैं आ रहा हूँ एक मिनट। हाँ तू जा कहाँ पे रहा था? ए सिगरेट लेने गया था यार, मैं सिगरेट लेने गया था। अच्छा यार गाड़ी तो काफ़ी तबाह हो गई यार, सारा आगे से बम्पर वगैरह टूट गए भाई, इंजन तो मुझे लग रहा है ठीक ही है। हाँ यार इंजन तो ठीक है यार, ये देख यार क्या बम्पर वगैरह, ये टायर भी टेढ़े हो गए यार, और पीछे से भी देख यार ये सारी डिग्गी डुग्गी भी टेढ़ी हो गई यार। चलो डिग्गी देखते हैं यार, डिग्गी के ठीक है हाइड्रोलिक पंप्स वगैरह। चलो भाई ये तो ठीक है यार, डिग्गी तो ठीक है, लेकिन यार साइड पे बम्पर भी सारा खराब हुआ हुआ है। और यार जिसने एक्सीडेंट किया वो बच गया? अरे हाँ वो जलील का बच्चा बच गया यार, वो जलील के बच्चे ने बहुत तंग किया हुआ यार, उसको मैं मार दूंगा किसी यार। ओए नहीं नहीं यार इस तरह तो नहीं करते होते, बस तेरे नसीब में लिखा था। चलो भाई इंजन की थोड़ी रेस देते हैं यार, इंजन की आवाज़ तो ठीक है यार, इंजन की आवाज़ ठीक लग रही है मुझे। चलो भाई फिर यार, अरे यार ये भाई इंजन तो यार मुझे इसका ठीक लग रहा है। अरे हाँ यार, हाँ यार इसका इंजन तो ठीक है यार, बाकी तो चीज़ें देख ले यार सारी तबाह कर दी यार। हाँ हाँ यार चीज़ें तो तबाह कर दी सारी। चल फिर मैं ले जाता हूँ, ये रिपेयर तो हो जाएगी तेरी वैसे गाड़ी। हाँ ठीक है यार इसको ले जा यार, मेरी मदद कर दे यार थोड़ी सी, इसको ले जा यार। हाँ हाँ मैं ले जाता हूँ। तो भाई इससे फिर खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा यार। अरे ठीक है यार, अरे ठीक है माइकल यार, तो करवा दे यार इसको, ठीक है माइकल यार। अच्छा चलो ठीक है फिर मैं चलता हूँ, फिर गाड़ी रिपेयर हो जाएगी तो फिर बल्कि फ़ोन पे बता दूंगा तो ये जाके कितना खर्चा आएगा, तो फिर तू बता दियो क्या करना है। अरे माइकल भाई पैसे की टेंशन नहीं लेनी यार, ठीक है तो गाड़ी ठीक करवा दे, जितना भी पैसा लगे करवा दियो माइकल भाई। चल ठीक है यार करवा दूंगा। और सुना सब ठीक है? अरे हाँ ठीक है माइकल भाई, आजा चाय नाश्ता करवाऊँ यार। नहीं नहीं यार तू कर चाय नाश्ता, मैं अभी चलूँ यार शोरूम पे जाना, काफ़ी लेट हो गया। चल ठीक है यार तू जा फिर गाड़ी ले जा यार। हाँ चल ठीक है मैं चलता हूँ भाई। तो भाई गाड़ी तो यार फुल जो है मतलब कि यार फुल खर्चे कराने वाली है इसके। अरे मैं कह रहा ठीक है यार, ओके फिर बाय बाय, मैं बाद में मिलूँगा यार। चलो भाई चलते हैं यार, गाड़ी का भाई फुल बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ है, सारी सिचुएशन बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है भाई, हेडलाइट्स भी टूटी हुई हैं सारी, बहुत खर्चा होने वाला गाड़ी पे। तो फिलहाल इसको लेके चलते हैं यार अपने घर चलते हैं, वहाँ से फिर जिमी को लेंगे। ठीक है जिमी को लेके चलेंगे अपन शोरूम पे, तो फिर भाई उसको भेजेंगे, फ्रैंकलिन को भेजेंगे गाड़ी रिपेयर करवाने, देखते हैं कितना खर्चा वगैरह आता है। तो भाई एक यार इनके टेनिस कोचों की देख कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं भाई, यार मुझे टेनिस ग्राउंड ख़त्म करवाना पड़ेगा भाई, मांडा की वजह से नहीं खत्म करवाता भाई, करना तो मैं कब का खत्म करवा देता यार, हर टाइम घर में आए बढ़ते हैं। चलो भाई अब अंदर देखते हैं क्या सूरत हाल है जिमी वगैरह की, गाड़ी को देख के तो भाई बहुत तरस आता है यार बंदे पे। तो ये शुक्र है यार उसका बेटा जो है वो बच गया, वरना इतने बुरे एक्सीडेंट के बाद मुझे नहीं लगता था बचा होगा। ओए क्या कर रहे हो यार तुम तीनों यहाँ बैठ के? पापा मैं तो जरा ना कार्टून देख रहा था। ओ यार तू कितनी दफा गया, तू बड़ा हो गया अब कार्टून ना देखा कर, मांडा समझाया कर कुछ इसको। अच्छा अच्छा समझाती हूँ, राम जी तो ड्राइवर कब आएगा उन्हें सिखाने? ड्राइवर भी आ जाएगा, उसको मैंने कह दिया था वो आज आ जाएगा तुम्हें सिखाने, ठीक है उसके चली जाना। अच्छा चलो ठीक है। पापा मेरे पेट्रोल के पैसे दे दो। मांडा से ले लेना ना, मांडा दे देगी। तुम मेरे पास कहाँ से पैसे आए? तो दे दियो तेरी बेटी है, फिर क्या होगा, मैंने स्कूटी ले दी तो उसको तो पेट्रोल के 20 रुपए नहीं दे सकती। अच्छा चलो दे दूंगी। हाँ ठीक है ट्रेसी। हाँ पापा ठीक है। 40 रुपए। अरे बेटे 20। और जिमी जल्दी आ जा जर्सी पहन के। आया पापा। तो भाई सिचुएशन कुछ आपको समझ में आ गई होगी किस तरह की सिचुएशन चल रही है यार इस टाइम पे। बाकी यार शोरूम पे भी कोई खास गाड़ियां नहीं आ रही, जिमी
यूज गाड़ियां खरीद रहे हैं, जब भाई नई शिपमेंट मंगवाएंगे यार तब वीडियो बनाएंगे। काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे भाई नई शिपमेंट कब आएगी कब आएगी कब आएगी, तो भाई बस आने वाली है यार, एक दो दिन हो रही, बल्कि एक दो दिन क्या भाई, सिर्फ एक दिन का इंतजार कर लो, फिर इंशाल्लाह शिपमेंट मंगवाएंगे काफी बल्क में। तो अभी भाई चलते हैं। पापा गाड़ी किसकी इतनी टूटी पड़ी सारी? ओ यार ये वो पीछे अंकल ही रहते, सुहेल अंकल। हाँ हाँ वो काले से गंजे से। हाँ 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 उनके बेटे ने एक्सीडेंट कर दिया गाड़ी का। ओ इन्ना लिल्लाह वा इन्ना इलैहि राजिऊन। किसके लिए पढ़ रहा है तुम ये? गाड़ी इतनी खराब होगी बेटा कहाँ बचा होगा? और बच गया, बच गया बेटा, बच गया, बच गया आराम से। और क्या, ओए आराम से। अच्छा अच्छा पापा गाड़ी का हाल देखो, बच्चा बेटा कैसे बच गया? मैं भी यही सोच रहा था यार, गाड़ी का इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ, हुआ सारे बम्पर टूट गए, हेडलाइटें टूट गई, भाई बच्चा कैसे बच गया? लेकिन यार जब अल्लाह ने बचाना हो तो बचा लेते हैं अल्लाह ताला। हाँ पापा ये देख नहीं कि एफसी खुला है, आपको छपा शाम को आएंगे यहाँ पे बर्गर खाने। हाँ ठीक है ठीक है, पॉइंट नहीं आएंगे बट अभी चले थोड़े से काटे जाते हैं। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी तो खुला भी नहीं, वो शाम को खुलता है। अच्छा बल्कि ऐसा करेंगे यार शाम को ना शोरूम पे मंगवा लेंगे। ओए भाई यार ये कहाँ से आ गया था यार साइड पे बंदा? पता नहीं पापा आ जाते हैं अपने स्टेशनों। बस यार लॉस सैंटोस की ड्राइविंग का पता ही है यार तुझे। ओ यार ये भी फोर्ड में बदल गया, फोर्ड वाले आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ पापा ये कल ही आए लोग। अच्छा हाँ मतलब अपने को खतरा है थोड़ा सा? थोड़ा सा है। चलो कोई नहीं भाई, अपा ब्रांड है यार यहाँ के, टेंशन नहीं लेनी कोई भी। पापा सही कह रहे हो आप। तो भाई इसको यार यहीं लगाते हैं फिर अंदर चलते हैं, क्या सूरत हाल है, शोरूम तो खाली पड़ा है सारा, इसका मतलब गाड़ियां सेल हो गई हैं सारी। हाँ पापा लगता तो है। चलो देखते हैं। अरे माइकल यहाँ पे आ जा यार, यहाँ पे आ जा तू। हाँ हाँ यहाँ पे खड़ा है। अरे वाह यार फ्रैंकलिन नए नए कपड़े पहन रहा है यार आजकल तो तू। अरे बस माइकल भाई यार सर्दियां आ गई ना तो बहन ने भेजे हैं पाकिस्तान से। अच्छा अरे मेरी बहन ने वो खुद बनाया स्वेटर ये। अच्छा अच्छा वाह भाई वाह माशाल्लाह बहुत प्यारा है यार, बड़ी तू कॉफियां पी रहा है स्टारबक्स की यार। अरे अंकल मेरे बगैर? अरे जिमी बेटा मंगवा दूंगा यार, उस वक्त वो नाश्ता नहीं ना करके आया था तो इस वजह से मंगवाई है यार मैंने। मैंने भी तो नहीं किया। चला जा जिमी यार, फ्रैंकलिन तू भी अंदर आ यार एक दफा। आया अब देखते हैं यार इसने भी प्रॉफिट में कितना किया क्या नहीं किया। पहले यार उसको फोन करता हूँ मैं, क्या नाम है यार उसका, अपना डीलरशिप कार वाला, उसको फोन करता हूँ शिपमेंट की, पूछता हूँ क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। ओए चुप हो जा जिमी यार एक दफा। अच्छा वो नहीं बिजी जा रहा यार इसका। चलो दूसरे नंबर पे करते हैं यार, दूसरे को करते हैं क्या वो, उसकी क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी क्या सर, आप सर क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र आप सुनाओ। अच्छा यार फोन किया था शिपमेंट के लिए। जी जी तो आई नहीं है गाड़ियाँ? अच्छा अच्छा चले ठीक है, मैं शाम को ना लड़के भेजूँगा। ओके भाई ओके। चल भाई जिमी शिपमेंट की तो बात हो गई, शाम को फिर जाना पड़ेगा उसके पास। अच्छा फ्रैंकलिन अभी तक नहीं है, मैं फ्रैंकलिन को देख के आया। अरे मारे माकर भाई आराम से यार, ठोक दिया मुझे। तो यार तू भी जल्दी आ जाना, तू मैं क्या कहता था जल्दी आ जा। अरे माँ का भाई गाड़ी किसकी खड़ी है यार ये? आज हम वही दिखानी है यार तुझे, मैंने गाड़ी के साथ क्या सूरत हाल हुई हुई है। अरे माइकल भाई ये तो वो है ना BMW M8। अरे हाँ यार M8 है। अरे माइकल भाई बड़ी महंगी गाड़ी है यार ये तो। हाँ हाँ महंगी तो है यार, इसका सूरत हाल देख क्या हो गया। अरे माइकल भाई किस मनहूस ने यार इतना कचुमड़ निकाल दिया गाड़ी का यार, कीमा बना दिया यार बिल्कुल ही। और यार मेरे दोस्त के बेटे ने किया यार ये, अब चेक कर ले इसको, ले जा तू उसके पास, तेरे दोस्त के पास शोरूम वाले के पास, उससे पूछ क्या सूरत हाल है इसकी। अरे ठीक है मैं ले जाऊंगा यार मैं। और वापसी पे ना तू उसके पास होता ही हो, अपने ये शिपमेंट वाले नहीं शिपमेंट लेके आते हैं लास्ट टाइम पे लेके आए थे। अरे ठीक है मैं ले आऊंगा आऊंगा यार, उसको मिले ना शिपमेंट का कह रही है तो शिपमेंट ले आइयो। पापा गाड़ी पे भी साथ जाऊंगा। हाँ तू भी साथ जा जिमी। अरे माँ का मैं भेज दो यार इसको, इसके बगैर दिल ही नहीं लगता यार, ना मेरा ना ऑडियंस का। बस देखा कोई इज्जत कर लिया करो मेरी। बस बस टिकर है, चल ले जा यार इसको। चलो जिमी बैठ यार। अरे अरे अंकल टक्के को डाल रहा। ओ यार दरवाजा खोल रहा था यार मैं। और वैसे कल आपके बाप टाऊ को बात में।
हाँ बोल। अंकल आपको अगर जिंदगी में, अरे अंकल ये ठोकोगे? ओ बस गलती से ठुकी यार, कोई नहीं पहले भी तो ठुकी हुई थी यार। अगर ठुके हुए को क्या ठोक रहे हो बार बार? ओ यार गलती से ठुकी ना। अच्छा यार एक तेरा अबू यार एक गटर नहीं साफ करता यार, कितनी दफा क्या पानी खड़ा होता है, यहाँ का गटर साफ करा दो। अरे अंकल गटर गटर साफ कैसे करेगा? अरे क्या बोल रहा तू? मैं तुम्हें गटर गटर वाले को कैसे बुलाया, अंकल आते ही है। और तो आप ले जाएंगे यार उसको, देख उसकी ऐसी की तैसी, कैसे नहीं आता वो जलील का बच्चा। हाँ अंकल गालियाँ ना दो। गालियाँ नहीं दे रहा यार, ये कुछ प्रोफेशनल वर्ड्स हैं हमारे यार, वो यूज कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा कर लो कर लो कर लो। और सुनो अबे ये शेल का पेट्रोल पंप नया खुल गया यार यहाँ पे। अरे अंकल ये मैंने ही खुलवाया, आपको क्या पता? ओ अबे जा जा बैठ जा टिक के आराम से, घर में तो नहीं चलती नहीं तो पेट्रोल पंप खुलवाएगा। अरे बेटा पता है गाड़ी कितने की है जिसमें तू बैठा है? हाँ कितने की है? ये है BMW M8 टर्बो, टर्बो इंजन वाली गाड़ी है बेटा ये, इसकी कीमत है तकरीबन $1.5 लाख। अब ₹1.5 की भी बिकेगी। अरे बेटा देख उसको तैयार करवाते हैं, देख फिर किस तरह तैयार होती है। अरे बड़े बड़े रेसर इस्तेमाल करते हैं इसको रेसों में। अरे अंकल हाँ बोल। अगर मैं रिजेक्ट करोगे तो जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। अरे जा बे। अरे अंकल फिर तुम क्यों नहीं हुआ कामयाब? आप मेरी इज्जत करोगे ना, मैं अपनी इज्जत कैसे करूँ? अगर तो अपनी इज्जत भी तो होती है ना, बंदा खुद करता है ना अपनी इज्जत, दूसरों की करेगा तो करवाएगा ना। अरे अंकल देखो मैं जिंदगी में कामयाब नहीं हूँ क्या? अबे क्या है तेरे पास? मेरे पास गाड़ी तो तेरे पास है नहीं अपनी। गाड़ी अभी तो बेची अंकल परसों। तो बेची यार, ले तो लेना। अरे अंकल लेने से याद आया, आपने मुझे गाड़ी लेके दूंगा? नहीं मैंने नहीं लेके देनी बेटा, अपने पापा से गए। अरे अंकल मैंने आपकी रिकॉर्डिंग रखी हुई है वीडियो भी। तू चल दिखा दियो मुझे रिकॉर्डिंग, फिर मुझे मानूंगा तेरा मोबाइल ही मैंने फॉर्मेट कर दिया था। AR गेमिंग वर्ल्ड की जो वेबसाइट है उसके ऊपर शो ऑन करके दिखाऊंगा आपको। अरे अरे जा, मैं तेरे ऑन करने से पहले तेरी वीडियो डिलीट कर दूंगा। अरे अंकल यूट्यूब पे कैसे डिलीट करोगे? यार मैं कर दूंगा ना, टेंशन ले। अच्छा चलो यार, ये तो बंद है, इनसे पूछते हैं क्या हो गया। अरे ये भी सिगरेट पी रहे, छुट्टे लगा रहे बैठ कर। अबे चर्सी हो। अबे चर्सी, अबे यार ये बंद क्यों है चर्सी हो? अबे अबे क्या गुस्सा क्या कर रहा है अबे? अबे अबे मुझे धक्का दिया तेरी ऐसी की तैसी, ये पकड़। तू आ, तू भी आ जा, तू भी आ जा। अबे तुम मुझे, अबे सही के बच्चे चुप रुक जा, रुक जा तेरी ऐसी। अबे रुक तुम्हारी, ये देख बच्चे निकल यहाँ से। अंकल मुझे एक तो मेरे छोटे। अबे तू आया ही नहीं, तू डर के पीछे खड़ा रहा, पीछे से बोल रहा था। अबे जा यार जिमी, यार क्या करता है यार तू? अरे अंकल जल्दी निकलो, पुलिस आ जाएगी। जा बैठ जल्दी। आप ये क्या छोटे छोटे बच्चे मार दिए अंकल, आटी निशा की टिशा ही लग गया आप भी। यार वो मैं गुस्सा कर रहा था यार, अब सड़क खड़ो के सड़क पे सिगरेट पी रहा है तो चर्सी ना को तो मैं क्या कहूँ उसको। अरे अंकल अब आप चलो, सही किया आपने, यूसुफ भाई के पास चलो अंकल आपने। अरे हाँ यार वो यूसुफ भाई के पास चलते हैं गाड़ी वाले पे। हाँ वो सही कर देंगे। हाँ वो जिस तूने भी ठोकी थी ना लैंड क्रूजर, उन्होंने सही करी थी ना वो। हाँ अब आप बेइज्जती कर रहे हो मेरी। और बेइज्जती नहीं कर रहा तुझे, मैं तेरा बीता हुआ कल याद दिला रहा हूँ। अरे अंकल आपको पहले भी कहा, अगर मैं रिजेक्ट करोगे तो जिंदगी में कामयाब हो चुके। अबे जा बे, मैं कामयाबी हूँ तेरी इज्जत किए बगैर ही, मुझे नहीं करनी तेरी इज्जत। अरे अंकल 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 वैसे आप देखो, सुना आप पापा सारे घर पर रहते हैं, आप सारे दुकान पे काम करते हो क्यों? भाई मेरा काम है ना ये। अरे अंकल पापा आपको अपना नौकर समझते हैं, नौकर। अबे चुप हो गया, बैठ जा, मैं तेरे बाप को बताता हूँ ये तो क्या बातें बता रहे हैं मुझे। अरे रुको रुको बात तो पूरी सुनो। हाँ सुना। अगर मैं आपकी जगह होता ना, पापा का जिगरी यार, और मैं नौकर बना के रखते मुझे, तो मैं तो पापा को किडनैप करा देता। अबे जा बे, मैं तो यहाँ से रख के मारूंगा तेरे मुंह पे, दोबारा ना बोली सही बात। अरे अंकल करो कुछ तो करो, जलील बच्चा है। अरे अंकल मैं आपको सही आईडी दे रहा हूँ, ऊपर से आप मुझे जिगरी मिल गया। अब ये कहाँ पे मिलेगा यार, ये यूसुफ का बच्चा यूसुफ। अरे वो खड़ा वो खड़ा वो अरे यूसुफ वो खड़ा किधर अंकल? वो रहा अरे यूसुफ और अंकल हर वक्त मोबाइल चलाता रहते हैं ये भी। अरे पता नहीं यार, हर बंदा मोबाइल में घुसा होता है। अरे यूसुफ भाई सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। हाँ भाई क्या हाल चाल है? अरे अंकल यूसुफ आपके पास हवावे कौन सा वाला है? अब चुप हो यार जिमी यार एक दफा। अरे यूसुफ भाई यार, ये यार मैं ये गाड़ी तेरी देख ली मैंने फ्रैंकलिन, तो सुना कैसा है तू? अरे मैं ठीक हूँ यूसुफ भाई। और जिमी तू कैसा है?
अरे अंकल फिलहाल तो ठीक है, बाद में बता। अरे यूसुफ भाई मेरे साथ आओ यार, गाड़ी को देखो तो क्या हाल हो गया गाड़ी का। अरे हाँ हाँ गाड़ी तो मैं देख रहा हूँ भाई, गाड़ी तो तेरी बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अरे अंकल इसका मुंह देखो जैसे कोई शार्क होती है। तुम ऐसा करो यार चाय पियो पहले, तो मैं गाड़ी चेक करता हूँ इतने। चलो भाई। अरे अंकल चाय में पट्टी ज्यादा है। अरे चुप बेटा चुप हो जा। हाँ जो भाई चेक करो यार, आप गाड़ी चेक करो, मैं चाय पी लेता हूँ। तो भाई गाड़ी तो यार बहुत गंदी हालत में लेके आया यार ये, अब चंगा पैसा बनाना पड़ेगा इनसे। इंजन तो मुझे ठीक लग रहा है, चलो कोई दो तीन कुछ निकाल दूंगा मैं। बम्पर भी अभी हेडलाइटें भी सारी टूट गई इसकी, तो टायर भी बिंगे, अलाइनमेंट भी सारी करनी पड़ेगी। और डिग्गी खोल के देखते हैं पहले, डिग्गी खोल के देखते हैं फिर पता चलेगा डिग्गी के बुशेस ठीक है नहीं ठीक। अरे डिग्गी तो ठीक है ठीक है, साइड वाले बम्पर लेने लगेंगे। चलो बम्पर भी लगा देंगे यार। और इसके अलावा तो भाई कोई खर्चा नजर नहीं आ रहा। इंजन चेक करते हैं, इंजन की आवाज़ कैसी है यार, इंजन ठीक है या नहीं ठीक। गाड़ी तो अंदर से मस्त है यार, और घूम 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 घूम। हाँ हाँ आवाज़ ठीक है इंजन की, इंजन इज़ गुड। वाह 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 क्या आवाज़ है यार गाड़ी की, ठीक ठीक ठीक। चलो भाई अंदर से तो सारी ठीक है यार, बस बाहर से ही मसला है। चलो बाहर का भी हो जाएगा तकरीबन यार, मेरे राउंड पोर्ट तो खर्चा आएगा तकरीबन $40,000 का। चलो भाई इनको बताते हैं, अब पहले ये बंद कर दूँ, कभी कोई चीज़ देख के बाद में मैं इसको मसला बताऊँ तो वो कहेगा मैंने तो देखी थी ठीक है। बेटा हम भी बड़े तेज हैं। अरे फ्रैंकलिन भाई मैंने गाड़ी देख ली यार आपकी सारी, तो गाड़ी में यार तकरीबन राउंड अबाउट $50,000 का खर्चा आएगा। अरे अरे यार यूसुफ क्या हो गया यार, $50,000 क्या हो गया, खैरियत तो है। अरे भाई यार इसके पार्ट्स सब बहुत महंगे हैं, BMW M8 है और इसको करवाना बहुत मुश्किल है। अरे अंकल पैसे मैं कम कराता हूँ, रुको। ठीक है बोल बोल। अरे अंकल यूसुफ। हाँ हाँ बेटा जिमी बोलो। आपकी धोती नीचे उतर गई। वे बेटा तमीज से, अभी मैं शराफत से बात कर रहा हूँ ना, तो ये ना मैं समझ में मार नहीं सकता। अरे 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 तो भाई छोड़ो यार मेरी बात सुनो, तो आप करवा दो यार ठीक, माइकल भाई बात कर लेंगे आपसे। चलो ठीक है इसको गाड़ी को मैं रख लेता हूँ यार यहाँ पे, फोन कर दूंगा माइकल को। अरे ठीक है। तो भाई यार चलो गाहक पक्का हो गया, तो पैसे कमाएंगे थोड़े से। काफ़ी दिनों से यार कोई गाहक ही नहीं आ रहा था, आज अब आ गया, अब सारे खर्चे पूरे करेंगे भाई। चलो भाई इन मोटो छोटों को कह दूँ जो बगैर इन्होंने मेरे जो सारा खर्चा करवा रखा ना, अबे वो छोटे और मोटे अब चाय पी के जल्दी जल्दी घुसूड़ ले, तू सिगरेट पी ले, बाद में गाड़ी को काम पे लग जाओ फौरन, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। गाड़ी आ गई, काम पे लगो, शाबाश। हाँ हाँ चलो चलो शाबाश, काम पे लगो दोनों, मुझे कोई नखरे ना दिखाना। अब बॉस कोई गाड़ी नहीं है, काम क्या करें काम क्या करें, अब काम भी आ गया और गाड़ी भी आ गई, लग गई समझ। हाँ जी। अरे फ्रैंकलिन भाई मैंने गाड़ी रख ली है, अब फिर मैं फ़ोन पे बता दूंगा कितना खर्चा होगा फाइनल। अरे ठीक है यार, फिर हमें चाय पे हम निकलते हैं फिर। चलो ठीक है यूसुफ भाई, फिर हम निकल रहे हैं यार ठीक है। अरे अंकल एक कप चाय और दे दो। और जिमी बेटा फटना का पी के जल्दी आ जा मेरे साथ। टैक्सी वाले को भी फ़ोन करना, टैक्सी वाला भी टाइम लेगा यार आने में। अंकल टैक्सी के पैसे आप देना। बेटा तेरा बाप देगा ना, मैं क्यों दूंगा। चलो चलो अंकल आप भी आज ऐश करो, टैक्सी के पैसे चलो आप फटो, आप अक्सर मैं बताऊँ लेकिन आज आप मटो जाओ ऐश करो। अरे चल अच्छा चल ठीक है यार, अरे डाउन कैब वाला ये रहा। अबे भाई ये डोमेस्टिक जापानीज यूरोपियन के सामने भेज दो एक। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जल्दी भेज दो टैक्सी। आने से उसके आए बाहर। जुम्मे बेटा चुप हो जा यार, जुम्मे का दिन है। अच्छा चलो जुम्मा भी पढ़ना यार सच, अब चलते हैं शोरूम बंद करते हैं फिर जुम्मा पढ़ेंगे जाके। हाँ चलो ठीक है। टैक्सी वाला मेरे ख्याल वही है, टैक्सी वाला जल्दी आ जा जल्दी। अरे रुको 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 अरे भाई वो वहाँ प्रीमियम डीलक्स मोटर पे ले चल। अबे $100 ज्यादा नहीं मांग रहा तू? अच्छा चल ठीक है 80 ले लियो चल। अरे अंकल मैं बैठो मैं समझाऊंगा। अरे भाई देखो स्टेडिंग छोड़ दो। बेटा फजूल की बातें मत करते, दुकान के चले जाऊंगा मैं। अरे इनको आज ना मस्तियां छूट जाती है, पता नहीं क्यों मुझे बैठा है, तेरी मस्तियां ना तेरी सारी एकड़ी निकाल दूंगा।
चल पहुंच गया, आ जा जल्दी, चल निकल निकल निकल। अबे तेरा पापा कहाँ पे है यार? अरे अंकल मेरा बाप पता नहीं कहाँ है। अरे तू सीधी तरह आ जा, तेरे पापा को मैं बताता हूँ क्या क्या तू बकवास करता है। अरे अंकल मैंने आपका आइडिया दिया था बस अपने मेरे बीच की बात अंकल, आज छोड़ो। अच्छा चल ठीक है, आज आज के लिए सिर्फ छोड़ रहा हूँ, लग गई समझ? हाँ ठीक है ठीक है। अरे यार अंकल को कैसे मनाओ? कहाँ पे? ये रहा ये रहा, हमें माइकल यार बाहर, ये तो यार बाहर खड़ा होकर सिगरेट पीता रहा कर यार। अरे माइकल क्या यार तू बाहर खड़ा होकर सिगरेट पीता रहता यार। अनशाई ओए जिमी मैं सुन लिया क्या क्या, तू घर चल, तेरी मैं निकालता हूँ सारी, तू बहुत ओवर हो रहा आजकल। बाबा शायद अंकल का तो शेक आता है। माइकल भाई बहुत ओवर हो रहा है यार, उसकी कोई फैंटी लगाओ एक दो दिन में, बहुत अच्छी फैंटी लगाओ। अरे पापा वो बाइक खड़ा ना उसे काटा मैंने। अरे जिमी मार, माइकल मैं झूठ बोल रहा है। अरे अंकल क्या, अरे मुझे सारा पता है इसका, क्या बना गया गाड़ी का। अरे माइकल भाई यार वो उसके पास गए थे, दुकान बंद थी, फिर उस यूसुफ के पास गए थे, और यार यूसुफ के पास नहीं जाना था यार, बहुत पैसे मांगता है। अरे यूसुफ भाई उसको पैसे ज्यादा मांगेगा तो देख लेंगे, फिर बंदूक के दिखाएंगे। अच्छा चल ठीक है, अब क्या कह रहा था वो? अरे माइकल भाई $50,000 बोल रहा था। अरे नहीं नहीं यार $50,000 तो बहुत ज्यादा है, वो फोन करेगा आपको माइकल भाई। अच्छा चल ठीक है, फोन आएगा तो मैं देख लूंगा। और सब कुछ ठीक हो गया? अरे हाँ माइकल भाई ठीक हो गया, और आपको बता दूं जुमा है यार, जल्दी शोरूम बंद करो, चले हैं पास जुमा पढ़ने। अरे हाँ यार जुमा है आज, अब घर जाके तैयारी भी करेंगे। तो ऐशीला चुप हो जा यार, जिमी क्या बकवास करी जा रहा है? पापा मुझे ना गाने का बहुत शौक। चुप हो जा तुम। तो यार फिर क्या करें अंकल को? पापा जी बाय बाय करो पहले। अबे रुक जा, बाय बाय कर दें। अरे अबे माइकल भाई ऊपर जहाज, क्या जहाज हो रहा वो जहाज, वो जहाज जा रहा। अरे पापा मैंने भी जाना है। अरे रुक अब यार, चुप हो जाओ, तुमने कभी जहाज नहीं देखा यार? अरे वो माइकल पापा निकल गया था अंदर से यार, वो बस एक वो बच्चा सा निकल आया था। अरे जिमी ये क्या कर रहा है यार तू, ये खुसरों वाले चारे क्यों कर रहा है? अरे अंकल ये ना जरा ना वो खूब सीखने का मजा है यार। फ्रैंकलिन को छोड़, ऑडियंस को बाय बाय कह। तो ठीक है भाइयों, हमें हम चलते हैं यार, फिर आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, वो फिर शिपमेंट आएगी ना, नहीं उस टाइम मिलेंगे कल शाम। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखना, जुमा लाजमी पढ़ना, खुदा हाफिज़ काले।